है दोस्तों, इंटरनेट का इस्तेमाल आप सभी करते ही होंगे। गूगल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, आपको सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाने के साथ साथ आप जो भी वेबसाइट विजिट करते हैं उसका रिकॉर्ड भी रखता है। दोस्तों आज बात करते हैं कि हम गूगल पर अपनी सर्च हिस्ट्री कैसे देखते हैं। तो उसके लिए गूगल पर आप टाइप कीजिए माई एक्टिविटी। माई एक्टिविटी सर्च करने पर आपको यहाँ पे सबसे पहले ही साइट मिल जाएगी myactivity.google.com। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप माई एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा साइन इन, तो आप क्लिक कर दीजिए साइन इन पे। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें अपने यहाँ पे गूगल अकाउंट मांगेगा। हम अपना गूगल अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। गूगल अकाउंट को जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वेबसाइट का ये पेज खुल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके हम यहाँ से अपनी सर्च हिस्ट्री देख सकते हैं कि हमने गूगल पे कौन कौन सी साइट विजिट की है, या फिर यूट्यूब पे कौन सा वीडियो चलाए हैं, या फिर कौन सी वेबसाइट पे हमने सर्चिंग दी है। तो उसका सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ साइड बार में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम यहाँ से आइटम व्यू पे क्लिक करके व्यू चेंज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो भी आइटम हमने सर्च किए थे वो सारे एक साथ दिखाएंगे। अगर हम यहाँ से किसी भी सर्च आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे तीन बिंदु नजर आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करते ही आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप पर्टिकुलर एक एक आइटम को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट पे क्लिक करते ही आइटम जो है सर्च हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। चाहते हैं कि पर्टिकुलर डेट से सर्च हिस्ट्री डिलीट करें, तो उसके लिए आपको यहाँ साइड बार में नीचे का ऑप्शन डिलीट एक्टिविटी बाई पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमसे शेड्यूल मांगेगा या फिर डेट मांगेगा। तो हम जो भी डेट सेलेक्ट करके और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो उस डेट की सारी सर्च हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। उसके नीचे का जो ऑप्शन है वो है अदर गूगल एक्टिविटी का। अदर गूगल एक्टिविटी पे हम क्लिक करके और यहाँ से हम अपनी लोकेशन हिस्ट्री भी देख सकते हैं और डिवाइस इंफॉर्मेशन, यूट्यूब सर्च, और यहाँ पर डाउनलोड योर पास्ट सर्चेज में जाके और हम अपनी पहले की गई सर्चिंग को जो है आर्काइव क्रिएट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ लोकेशन हिस्ट्री पे हम क्लिक करके अपनी लोकेशन हिस्ट्री को देख सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे विजिट किया है। तो जहाँ जहाँ विजिट किया है वहाँ पे रेड कलर के निशान आए हुए हैं। तो इस तरह हम अपनी सारी गूगल एक्टिविटीज़ यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है एक्टिविटी कंट्रोल्स का। दोस्तों यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आपकी सर्च हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं हो तो आप वेब एंड ऐप एक्टिविटी को यहाँ से अनचेक कर दीजिए। वेब एक्टिविटी अनचेक करने के बाद आप जिस किसी भी साइट पर विजिट करेंगे तो वो सर्च हिस्ट्री आपके रिकॉर्ड में नहीं रहेगी। और नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ से लोकेशन हिस्ट्री पर अगर रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसे अनचेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब सर्च हिस्ट्री बंद करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ से अनचेक करके बंद कर सकते हैं। और नीचे का जो ऑप्शन है वो है यूट्यूब वॉच हिस्ट्री का। बॉक्स को अनचेक करके अपनी यूट्यूब पे देखी वीडियोज की हिस्ट्री भी बंद कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपनी गूगल एक्टिविटीज़ की रिकॉर्डिंग को बंद या चालू कर सकते हैं। फाइनल लास्ट ऑप्शन जो बचा है ये है माई अकाउंट। तो माई अकाउंट के पेज पे हम यहाँ पे अपनी गूगल अकाउंट की कंप्लीट सेटिंग्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फाइनली साइन आउट कर दीजिए अपना गूगल अकाउंट। ऐसे ही टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।